उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुदरत की कहर लगातार जारी है। भीषण गर्मी से लोहे के कारखाने में लगे भीषण आग, थाना बाजार खाला एवं रेडी चौराहे के पास खटिया गोदाम लोहा फैक्ट्री में लगे भीषण आग, मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां व पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे। पर्चे देखते हुए यहाँ पे किस तरीके से आग लगी, तो कैसे सूचना मिली? देखिए, यहाँ से कोई एक रागी निकल रहा था, तो उसके द्वारा सूचना दी गई कि खटिया गोदाम में ये जो रेडी चौराहे के पास में आग लगी हुई है। तो तत्काल हमारे जो श्रीमान सीपो महोदय हैं, श्री मंगेश कुमार, उनके आदेशानुसार मैं 2 फायर टेंडर लेकर आलमबाग से प्रस्थान हुआ। लगभग ये 2 PM की सूचना है, और जब किसी फैक्ट्री या कोई बड़ी घटना होती है उसके लिए हम लोगों को आदेशित किया गया है कि और भी संबंधित फायर स्टेशन से भी गाड़ियां मंगा ली जाएं। तो मैं चौक के द्वारा भी 2 गाड़ियां आईं और हम लोग लगभग तत्काल ट्रैफिक को क्लियर करते हुए 8 मिनट में यहाँ पर पहुँच गए हमारा लोकेशन। और देखा, आग काफ़ी बड़ी हुई थी, तो हम लोगों ने तत्काल 2 तक फैला करके आग बुझाना प्रारंभ किया हमारी यूनिट द्वारा। किसी को जो है हाथाहाथ कोई घटना ऐसी हुई हो, किसी लोगों के साथ में कुछ ऐसी जानकारी मिली आपको? इस तरह के कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। जो जो लोग थे वो आग लगी, आग लगने पर यहाँ पर बताया गया कि वो लोग सारे लोग बाहर आ गए थे। मौके पे क्या फायर ब्रिगेड की फायर, जैसे आग लग जाती फैक्ट्रियों में फायर का सामग्री वगैरह होती, तो मौके पे कुछ यहाँ पे मिला कि नहीं मिला? नहीं, इस तरह का कोई सामग्री नहीं मिला। आग संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगने की संभावना है, और तो कोई स्पष्ट जानकारी नहीं हुई।